गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। हम इसके ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशंस एंड फर्दर फंक्शंस की स्टडी करेंगे। तो बेसिक जब स्टडी की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि जब ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो बेसिक डिस्कसेस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रुएलिटी, उसके एक्सेप्शंस की बात करेंगे, किलिंग ऑफ ए सफरिंग एनिमल्स इन केस एनी क्रुएलिटी हैज़ बीन कमिटेड अगेंस्ट इट, और हाउ वी विल रिलीव इट फ्रॉम फर्दर सफरिंग। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रुएलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके एक्सेप्शंस के बारे में, किलिंग ऑफ ए सफरिंग एनिमल्स के केस में स्टडी करेंगे कि क्रुएलिटी का क्या रोल हो रहा है, फर्दर एक्ट एनश्राइंस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एनिमल वेलफेयर एक्ट, एनिमल वेलफेयर बोर्ड्स, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पावर्स एंड फंक्शंस। फिर बात करें तो बेसिक गाइडलाइंस रिलेटिंग टू एक्सपेरिमेंटेशन ऑन एनिमल्स फॉर साइंटिफिक पर्पस के लिए, जो हम एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्चेस करते हैं, उसके लिए क्या बेसिक गाइडलाइंस रहेंगे। वी आर ऑल स्टडी, दीज आर ऑल द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। और क्या होता है, डिफाइंस एनिमल्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स की स्टडी करते हैं, और हम बेसिक इसका एप्लीकेशन होता है, इट प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट फॉर कॉसिंग अननेसेसरी क्रुएलिटी एंड सफरिंग टू एनिमल्स, मीन्स पनिशमेंट एंड कॉजिंग अननेसेसरी क्रुएल्टी एंड सफरिंग के रिगार्डिंग भी हम फर्दर इसके बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्दर और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इट फर्दर प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस रिलेटिंग टू एक्सपेरिमेंटेशन ऑन एनिमल्स फॉर साइंटिफिक पर्पसेस, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एग्जीबिशन ऑफ द परफॉर्मिंग एनिमल्स, मीन्स एनिमल्स जो एग्जीबिशन में यूज़ किए जाते हैं उनके लिए क्या प्रोविजंस रहेंगे, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ये भी है कि एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिसर्चेस के लिए जो हम एनिमल्स का यूज़ करते हैं फॉर टू स्टडी अबाउट फॉर साइंटिफिक पर्पसेस, इसके लिए भी बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होता है, और लिमिटेशन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स बियॉन्ड विच नो प्रोसिक्यूशन सेल लाइफ फॉर एनी ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्टिव्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। आगे बात करें जब डेफिनेशंस की, स्पेसिफिक डेफिनेशंस की, तो एनिमल्स के केस में एनिमल्स मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर्स अदर देन ए ह्यूमन बींग के अलावा जो भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं वो किस में आते हैं, एनिमल्स। व्हेन वी कंसिडर अबाउट बोर्ड, तो बोर्ड मीन्स यहाँ पे हम जब क्रुएल्टी टू एनिमल्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली बोर्ड का मतलब होता है एनिमल वेलफेयर बोर्ड। कैप्टिव एनिमल्स की बात करें तो मीन्स एनी मिनिमल एनिमल नॉट बींग ए डोमेस्टिक एनिमल विच इज इन कैप्टिविटी और कन्फाइनमेंट, वेदर परमानेंट और टेम्पररी, और विच इज सब्जेक्टेड टू एनी अप्लायंस और कंट्रीवेंस फॉर द पर्पस ऑफ हिंडरिंग और प्रिवेंटिंग इट्स एस्केप फ्रॉम कैप्टिविटी और कन्फाइनमेंट। मीन्स कैप्टिव एनिमल्स की जब हम बात करते हैं तो कन्फाइनमेंट की बात होती है, डोमेस्टिक एनिमल्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली इट मीन्स एनी एनिमल्स जो कि हमारा पालतू होता है, टेम्ड होता है, और इज बींग सफिशेंटली टेम टू सर्व सम पर्पसेस फॉर द यूज ऑफ मैन। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, डोमेस्टिक एनिमल्स। फर्दर जब हम बात करें लोकल अथॉरिटी की तो डेफिनेटली म्यूनसिपल कम्युनिटी, आपकी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अथॉरिटी,
for the time being invested by law with the control and administration of any matters within a specified local area, ये आता है local authority. Honors की बात करें तो definitely with respect to the reference to an animals includes not only the honoree but also any other person for the time being in possession or custody of the animal whether with or without the consent of the owner. ये होता है honor. वहीं पे अगर doom dev includes any process of introducing air or any substance into the female organ of a milch animal जो दूध देने वाले animals हैं with the object of drawing off from the animal any secretion of milk. Doom dev. फिर जब हम इसके आगे बात करें बेसिक तो प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर द एक्ट मेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट. स्ट्रीट का मीन्स होता है इट इंक्लूड्स एनी वे रोड लेन एक्सक्वायर कोर्ट पैसेज और ओपन स्पेस. अगर एनुअल वेलफेयर बोर्ड की बात करें तो डेफिनेटली हम बोर्ड की बात कर रहे हैं तो फॉर द प्रमोशन ऑफ एनिमल वेलफेयर जनरली एंड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग एनिमल्स मीन्स प्रमोट करना एनिमल वेलफेयर्स को और डेफिनेटली पर्पस ऑफ टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स इसके लिए टू अननेसेसरी पेन और सफरिंग इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हम एनिमल वेलफेयर बोर्ड इस्टेब्लिश करते हैं. बोर्ड शैल बी ए बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग ए परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सेल विद पावर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एंड मे बाय इट्स नेम श्योर एंड बी श्योर. ठीक. आगे बात करें एनिमल वेलफेयर बोर्ड में ही तो स्पेशली बोर्ड में कौन कौन से पर्सन रहते हैं. बेसिकली इंस्पेक्टर एक्स ऑफिशियो मीन्स जनरल ऑफ फॉरेस्ट रहता है गवर्नमेंट और रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो. एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर्स रहते हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो. और अगर बोर्ड की फर्दर बात करें तो वन पर्सन टू रिप्रेजेंट सच एसोसिएशन ऑफ वेटनरी प्रैक्टिशनर्स वेटनरी प्रैक्टिशनर्स का वह एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा रिकमेंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. और टू पर्सन्स टू रिप्रेजेंट प्रैक्टिशनर्स ऑफ मॉडर्न एंड इंडिजिनियस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन ये भी फर्दर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. फर्दर जब बात करें वन पर्सन्स टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बॉम्बे कलकत्ता दिल्ली एंड मद्रास जो बड़े बड़े मेट्रोपोलिटन सिटीज़ हैं इसमें एक एक पर्सन्स रहेंगे फ्रॉम द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्पेशली मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में बॉम्बे कोलकाता Delhi and Madras and one person to represent any other municipal corporations with as opinion of the central government. Or ek person hota hai one person to represent each of such three organizations. One person to represent each of such three societies dealing with the prevention of cruelty to animals. एस ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. और फर्दर और अगर एनिमल वेलफेयर बोर्ड में ही फर्दर और बात करें तो थ्री पर्सन्स नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्स मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट फोर टू बी इलेक्टेड बाय द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा एंड टू बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा से फोर मेंबर्स इलेक्ट होते हैं और राज्यसभा से ओनली टू मेंबर्स इलेक्ट होते हैं. फॉर द सेक्रेटरी एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ द बोर्ड की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ऑन इट्स ऑफिसर्स टू बी द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड. सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं ऑन इट्स ऑफिसर्स टू बी द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड. दूसरा बात करें तो सब्जेक्ट टू सच रूल्स एस मे बी मेड बाई मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड रिकमेंडेड करता है नेसेसरी फॉर द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स एंड द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस. तो दीज आर ऑल
the basic activities of the secretary and the other employees of the board. फिर फंक्शंस ऑफ द बोर्ड की हम बात करें तो डेफिनेटली पहला फंक्शन क्या होता है, टू कीप द लॉ इन फोर्स इन इंडिया, मींस एक नियम कायदे बनना चाहिए, लॉ इन फोर्स होना चाहिए, रिगार्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स अंडर कॉन्स्टेंट स्टडी, और इसमें कंटिन्यूस अमेंडमेंट्स होना चाहिए टाइम टू टाइम। सेकेंड फंक्शन की, बेसिक फंक्शंस की बात करें तो टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मेकिंग ऑफ रूल्स अंडर दिस एक्ट, एडवाइस करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी हम इस नियम कायदे को बनाने वाले हैं, विथ व्यू टू प्रिवेंटिंग अननेसेसरी पेन और सफरिंग टू एनिमल्स। मीन्स जब हम भी कभी भी एडवाइस दे रहे हों या सजेशंस दे रहे हों टूवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस टाइम में जो भी रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं तो एडवाइस में ये स्पेसिफिक मेंशन होना चाहिए, स्पेसिफिक रिगार्ड्स होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू योर व्यू टू प्रिवेंटिंग अननेसेसरी पेन और सफरिंग टू एनिमल्स, इस बात को भी ध्यान देना चाहिए। थर्ड पर्पस होता है, फंक्शंस होता है टू एडवाइज द गवर्नमेंट और एनी अदर लोकल अथॉरिटी और अदर पर्सन्स ऑन इम्प्रूवमेंट इन डिजाइन ऑफ व्हीकल्स सो एज टू लेसन द बर्डन ऑन ड्रॉट एनिमल्स। मीन्स गवर्नमेंट को और या फिर लोकल अथॉरिटी को एडवाइस करना चाहिए ऑन इम्प्रूवमेंट इन डिजाइन ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स की डिजाइन में भी इम्प्रूवमेंट की बात करनी चाहिए, क्योंकि उन व्हीकल्स के ही थ्रू हम एनिमल्स को फ्रॉम वन सिटी टू नेक्स्ट सिटी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। फर्दर और बात करें फंक्शंस ऑफ बोर्ड की, तो टू टेक ऑल सच स्टेप्स एज द बोर्ड में थिंक फिट फॉर एमेलियोरेटिंग द कंडीशंस ऑफ बेस्ट ऑफ बर्डन बाय इंकरेजिंग और प्रोवाइडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड्स, वाटर ट्रप्स एंड द लाइक एंड बाय प्रोवाइडिंग फॉर वेटनरी असिस्टेंस टू एनिमल्स। मीन्स इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वेरियस स्टेप्स ले सकते हैं रिगार्डिंग द एनिमल वेलफेयर बोर्ड, जिससे कि कंडीशंस ऑफ बीस्ट ऑफ बर्डन एनकरेज हो सके, कंस्ट्रक्शंस को बढ़ावा दे सके, काय के लिए, रिगार्डिंग शेड्स वाटर ट्रप्स के लिए। टू एडवाइस द गवर्नमेंट और एनी अदर लोकल अथॉरिटी रिगार्डिंग द डिजाइन ऑफ स्लॉटर हाउस या फिर इसके फर्दर मेंटेनेंस से रिलेटेड बात की जाए। टू टेक ऑल द स्टेप्स एज द बोर्ड में थिंक टू एंश्योर दैट अनवांटेड एनिमल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय लोकल अथॉरिटी, एनिमल्स जो काम के नहीं है वो काइंडली डिस्ट्रॉय होने चाहिए बाय लोकल अथॉरिटी। इट इज़ नेसेसरी टू डू सो एदर इंस्टेंटली और आफ्टर बींग रेंडर्ड इनसेंसिबल टू पेन और सफरिंग। फर्दर आगे बात करें अगर फंक्शंस ऑफ द बोर्ड की ही, तो डेफिनेटली हम टू एनकरेज बाय द ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, मीन्स फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए भी हम ग्रांट्स के लिए भी एनकरेज होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ पिंजरा पोल्स सेंचुरीज एंड द लाइक वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स में फाइंड ए शेल्टर वेयर दे हैव बिकम ओल्ड एंड यूजलेस और वेन दे नीड प्रोटेक्शन, जब जब उन्हें बचाव चाहिए तो डेफिनेटली इंक्रीज करना चाहिए बाय द हेल्प ऑफ ग्रांटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ पिंजरा पोल सेंचुरीज एक्सेट्रा। टू कॉर्पोरेट विथ एंड कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ एसोसिएशंस और बॉडीज इस्टेब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग टू एनिमल्स और द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। मीन्स कॉर्पोरेट करना चाहिए, टू कोऑर्डिनेट करना चाहिए वर्क विथ रिगार्डिंग एसोसिएशंस और बॉडीज इस्टेब्लिशमेंट पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग अननेसेसरी पेन और सफरिंग टू एनिमल्स और प्रोटेक्टिंग ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स।
टू गिव फाइनेंशियल एंड अदर असिस्टेंस टू एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शनिंग इन एनी लोकल एरिया और टू एनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस इन एनी लोकल एरिया विच शैल वर्क अंडर द जनरल प्रोविजंस एंड गाइडेंस ऑफ द बोर्ड. फर्दर और अगर बातें करें फंक्शन ऑफ द बोर्ड की तो टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द मेडिकल केयर एंड अटेंशन विच मे बी प्रोवाइडेड इन एनिमल हॉस्पिटल्स एंड टू गिव फाइनेंशियल एंड अदर असिस्टेंस टू एनिमल हॉस्पिटल्स व्हेनेवर द बोर्ड थिंक इट इज नेसेसरी टू डू सो. मीन्स बेसिक नीड क्या हो जाता है कि हम गवर्नमेंट को भी एडवाइस करें ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द मेडिकल केयर एंड अटेंशंस ऑफ एनिमल्स इन हॉस्पिटल्स टू इम्पार्ट एजुकेशन इन रिलेशन टू द ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स. मीन्स ह्यूमन को कैसे ट्रीट करना चाहिए टूवर्ड्स एनिमल्स इसके लिए भी एजुकेशन इम्पार्ट करना चाहिए. एनकरेज करना चाहिए द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द इन्फ्लिक्शन ऑफ अननेसेसरी पेन और सफरिंग टू एनिमल्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनिमल वेलफेयर बाय मीन्स ऑफ लेक्चर्स बुक्स पोस्टर्स एक्सेट्रा. अगर जब हम ये चीज़ें करते हैं हम प्रमोट करते हैं तो डेफिनेटली टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर कनेक्टेड विथ एनिमल वेलफेयर और द प्रिवेंशन ऑफ इन्फ्लिक्शंस ऑफ अननेसेसरी पेन और सफरिंग ऑफ एनिमल्स. तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे डेफिनेटली प्रिवेंशंस एंड क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स की बात कर रहे थे. तो हमने बेसिक पर्पसेस देखा कि रिगार्डिंग द गाइडलाइंस रिलेटिंग टू एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिसर्च परफॉर्म्ड ऑन या कैरीड ऑन साइंटिफिक पर्पसेस ऑन एनिमल्स. तो ये ऑब्जेक्टिव्स बेसिक ऑब्जेक्टिव्स. दूसरा क्या हो जाता है टू एनश्राइन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एग्जीबिशन ऑफ द परफॉर्मिंग एनिमल्स एंड ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट द परफॉर्मिंग एनिमल्स. तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होती हैं ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स. मीन्स अननेसेसरी पेन जो हम एनिमल्स को दे रहे हैं तो इन ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. अगर बेसिक डेफिनेशंस की बात करें तो एनिमल्स की बात करें तो डेफिनेटली इट मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर्स अदर देन ह्यूमन बींग. बोर्ड की बात करें तो यहाँ एनिमल वेलफेयर बोर्ड आएगा. कैपिटेट एनिमल्स की बात करें तो डेफिनेटली मीन्स एनी एनिमल्स नॉट बींग अ डोमेस्टिक एनिमल्स विच इज इन कैपिटेटिव और कन्फाइनमेंट वेदर परमानेंट और टेम्प्ररी और विच इज सब्जेक्टेड टू कंट्रीबियंस फॉर द पर्पज ऑफ हिंडरिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप फ्रॉम कैपिटेटिव और कन्फाइनमेंट. स्टिक एनिमल्स मीन्स टेम्ड एनिमल्स. अभी ऐसी बात है लोकल अथॉरिटी मीन्स म्यूनसिपल कमेटी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और अदर अथॉरिटी टाइम टू टाइम इन विद इन ए स्पेसिफाइड लोकल एरिया. ऑनर मीन्स रेफरेंस टू एन एनिमल्स जो भी होगा. डूम डे मीन्स इंक्लूड्स एनी प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एयर और एनी सब्सटेंस इनटू द फीमेल ऑर्गन ऑफ ए मिल्च एनिमल. ये है फुक्का और डूम डे. Prescribed means prescribed by rules under the Act. Street means it includes any way, road, lane, square court, open space. ये आगे बात करें एनिमल वेलफेयर बोर्ड तो definitely it consists of inspectors, animal husbandry commissioners by the government of India ex officio. One members, one persons each from central government as a veterinary practitioners. Two persons to represent practitioners of modern and indigenous systems of medicines nominated by central government. One persons to represent each of the municipal corporations of different metropolitan cities Bombay, Calcutta, Delhi and Madras. One persons to be representative of appointed from central government interested in animal welfare
One persons to represent each of such three societies dealing with the prevention of cruelty to animals. सेक्रेटरी एंड अदर बोर्ड्स की बात करें तो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ऑन इट्स ऑफिसर्स टू बी द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड विथ रेस्पेक्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में अपॉइंट ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज फॉर द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स. आगे बात करें फंक्शंस ऑफ द बोर्ड की तो एक स्पेसिफिक लॉ इन्फोर्स होना चाहिए इन इंडिया रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स और उसमें फर्दर कंटिन्यूस अमेंडमेंट होना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम. दूसरा क्या होना चाहिए टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मेकिंग ऑफ रूल्स अंडर द एक्ट विथ ए व्यू टू प्रिवेंटिंग अननेसेसरी पेन से बचने के लिए या सफरिंग्स बचने के लिए भी एडवाइसेस होना चाहिए और एडवाइस होना चाहिए रिगार्डिंग द डिज़ाइन ऑफ व्हीकल्स सो दैट टू लेसन द बर्डन ऑन ड्रॉट एनिमल्स. फर्दर टू टेक ऑल द स्टेप्स एज बोर्ड मे थिंक फिट फॉर द कंडीशंस ऑफ बीस्ट ऑफ बर्डन वाई एनकरेजिंग एंड प्रोवाइडिंग एट द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेड्स वाटर ट्रफ्स वेटनरी असिस्टेंस टू एनिमल्स के लिए एडवाइस देने के लिए टू द गवर्नमेंट और एनी अदर लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पर्सन्स टू हाउ टू डिजाइन स्लॉटर हाउसेस या फिर उनके फर्दर मेंटेनेंस के लिए टू टेक ऑल द स्टेप्स रिगार्डिंग द बोर्ड मे थिंक फिट टू एंश्योर दैट अनवांटेड एनिमल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय लोकल अथॉरिटीज. अनवांटेड एनिमल डिस्ट्रॉय होना चाहिए. Similarly, it renders insensible to pain or suffering. To increase financial assistance or grant regarding the formation of pinjra poles or sanctuaries to provide the shelter. To cooperate with and coordinate the work of associations or bodies established for the purpose of preventing unnecessary pain. और सफरिंग टू एनिमल्स और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स. तो इससे क्या होता है टू कॉर्पोरेट विद एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ एसोसिएशंस में फाइनेंशियल एंड अदर असिस्टेंस आ सकते हैं टू एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग इन लोकल अथॉरिटी के बारे में पता चल जाएगी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कैसे फॉलो हो रहे हैं. फॉर्मेशन ऑफ एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी कर सकते हैं अपन वर्क अंडर द जनरल प्रोविजन्स एंड गाइडेंस ऑफ द बोर्ड. फर्दर टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द मेडिकल केयर एंड अटेंशंस विच में बी प्रोवाइडेड इन एनिमल हॉस्पिटल्स. एनिमल हॉस्पिटल्स में जो भी एडवाइसेस एंड जो भी केयर चाहिए ईच एंड थिंग कम्स अंडर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द फंक्शंस ऑफ द बोर्ड. फिर और बेसिक इम्पॉर्टेंस होती है टू इम्पार्ट द एजुकेशन इन रिलेशन टू द ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स टू एनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ एनिमल्स एंड टू एनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द इन्फ्लिक्शन ऑफ अननेसेसरी पेन और सफरिंग टू एनिमल्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनिमल वेलफेयर बाई मीन्स ऑफ लेक्चर्स बुक्स पोस्टर्स और एग्जीबिशंस. मीन्स क्या होता है बेसिक फंक्शंस ऑफ द एनिमल्स क्रुएल्टी एक्ट का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि हम एजुकेशन इम्पार्ट करेंगे इन रिलेशंस टू ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स और इनक्रेज करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियंस अगेंस्ट द इन्फ्लिक्शन ऑफ अननेसेसरी पेन और सफरिंग टू एनिमल्स for the promotion of animal welfare by means of lectures, books, posters, cinematographic exhibitions, to advise the government on any other matter connected with animal welfare, son of conflicts of unnecessary pain or suffering to animals. So these are all about the considerations of
basic objectives, definitions, and constitution of board, and basic functions of prevention of cruelty to animals act. Further, we will discuss more in next class. So, till now, thank you.